खंडवा नगर निगम स्वच्छता के नाम पर वाहवाही लूट रही है और दूसरी ओर गंदगी का मेला लगा हुआ है। आखिरकार ये वाहवाही कब तक लूटते रहेंगे और कब तक प्रशासन को चूना लगाते रहेंगे। नगर निगम किसी के कच्चे पक्के मकान को तोड़ने में तो जरा भी नहीं संकोच करती है, तो फिर इस गंदगी के अंबार में कोई ख्याल क्यों नहीं आता। वही खंडवा की एक ओर तो नगर निगम स्वच्छता के नाम पर शहर के दीवारों पर पेंटिंग करके अपने अंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के बीचों बीच स्थित अनाज मंडी कोई भी अधिकारी देखने वाला नहीं है। प्रांगण में 2 माह से कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिससे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस तस्वीर में यही है स्वच्छ भारत अभियान, पीछे इसे कोई देखने वाला नहीं है। आखिरकार प्रशासन कब जागेगा और कब कूड़े के ढेर को साफ करने की जद्दोजहद जताएगा। खंडवा से ब्यूरो चीफ सादिक खान की रिपोर्ट। कितना समय हो गया शिकायत पर? सर शिकायत को क्या हुआ था, ये लोग शिकायत को ये आए थे, भैया बोला फटवा दो करके, बोले मैं कल ही ट्राली भिजवा दूंगा, और वो ट्राली अभी तक भी नहीं आई, उसको कम से कम 10 से 12 दिन हो गया पूरा। और ये हमने उसके लिए कहाँ पे कंप्लेन की थी, वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे, तो उन्होंने यहाँ पे हमारे से शिकायत कटवा गए थी, बोले कल मैं उठवा दूंगा, बोले अभी तक भी नहीं उठवाया। बता रहे 2 माह से ऊपर हो गया इसका। हाँ 2 महीने के ऊपर हो गया सर, 2 महीने के ऊपर का कचरा पूरा है। किसको की थी आपने? हेल्पलाइन पे प्रधानमंत्री हेल्पलाइन, वो मुख्यमंत्री का स्थानीय निगम अधिकारी को किसी को की आपने? वो आया था, वो देख के गया, उसके बाद फिर नहीं। कितना समय हो गया इसको? इसको भी ये समझ लीजिए कि 1.5 महीना हो गया।